गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सभी? स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागॉजी में। बेटा, सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कुछ चेंजेस किए एसएससी ने, पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया है, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है आपका। तो इसको अच्छे से समझते हैं, क्या क्या चेंज आया, क्या क्या चेंज नहीं आया है। और वैकेंसी 20,000 के आसपास है, लास्ट मैंने आपको बताया 18,000 के अप्रोक्स वैकेंसी है, इस बार वैकेंसी 20,000 के अप्रोक्स में है। अभी डिटेल नहीं दी है वैकेंसी की, वो बाद में कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर टेंटेटिव वैकेंसी जाकर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की जाएगी बेटा, 17 से लेके 8 तारीख तक का टाइम दिया है फॉर्म भरने का। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है, और लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की फीस है 9 तारीख का रखी है आपकी। ठीक, जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया है आपका टीयर 1 का, वो दिसंबर में दिया है, और टेंटेटिव 2 टीयर 2 का नोटिफाई लेटर है आपका। आगे चलते हैं, ये पोस्ट आपको सारी पता ही है। देखिए, ये पे लेवल 8 की पोस्ट है, मतलब 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, डबल ओ की पोस्ट है आपकी दोनों। ठीक है, देन पे लेवल 7 आ जाता है, जितने भी सेक्शन ऑफिसर आते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आते हैं आपके, ये इंस्पेक्टर पोस्ट है आपकी, वो सभी आपकी अलग लेवल में है, 4600 लेवल में है। देन लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे का है आपका। देन लेवल 5 है आपका 2800 ग्रेड पे है, सॉरी। देन लेवल 4 है आपका 2400 ग्रेड पे का आपका, देख लीजिएगा इनको आप। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, देयर अप्रोक्स 20,000 वैकेंसी है आपकी, क्लियर। और जो अपडेटेड वैकेंसी है आप कहां चेक करेंगे, ss.nifty पे जाएंगे, देन कैंडिडेट कॉर्नर, देन टेंटेटिव वैकेंसी चेक की जाएगी आपकी। ठीक है, वो बाद में आपकी अपलोड हो जाएगी। और आपको कभी भी स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी कलेक्टेड बाय कमीशन नहीं मिलती है, उसको आपको RTI के थ्रू ही लगा के लेना पड़ता है। ये चीज नेशनलिटी आप पढ़ी लेंगे, इस चीज को बेसिक चीज है। अब देखिए, यहां चीज देखिएगा आप, 18 से 27 की गिवन है आपकी, और जो पोस्ट है 20 से 30 है, और 18 से 30 और 18 से 32 है, ये सारा सिनेरियो है आपका उस चीज के लिए। और एज इलेक्शन बता ही चुका हूं आपको मैं लास्ट वीडियो में, ओबीसी के लिए 3 साल होते हैं, SC ST के लिए 5 साल होते हैं आपके। ठीक है, और WBD अनरिजर्व के लिए 10 साल है, उत्तर में सब 3 साल और 5 साल ऐड करते जाइएगा। एक्स सर्विसमैन के 3 साल है आपके, ठीक है, और डिफेंस पर्सनल के भी 3 साल है आपके। और बेटा, कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि जो सर्टिफिकेट का होता है बेटा, SC ST का और PWD का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए बनता है, उसमें कोई रिन्यू कराने की नीड नहीं होती है। आप प्ले लिस्ट जाके चेक कर लीजिए, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और रही बात ओबीसी की, ओबीसी का होता है जिस डेट को आपका लास्ट फॉर्म भरा गया, उससे 3 साल पहले का चल जाता है और 60 दिन बाद का चलता है आपका, जिस डेट को फॉर्म भरा गया आपका। ये क्वालिफिकेशन आपको पता ही है सबको। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा और किस किस टाइप का एग्जाम आएगा आपका। फीस वही 100 रुपीज है आपकी फॉर्म भरने की, ये रीजन अपने हिसाब से भर लेंगे जहां पे आप हैं। देखिए बेटा, जो पिछली बार सिस्टम था, पहले वो टीयर 1 होता था, देन टीयर 2 था, देन टीयर 3 था, देन टीयर 4 था, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो सब वैनिश कर दिया गया है। अब पूरा नया सिनेरियो लेके आया SSC, इस बार टीयर 1 होगा और टीयर होगा आपका। जो टीयर 1 का है पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया है, सेम डिटो एज इट इज है आपका। भाई, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते थे, GS 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, इंटू 2 मार्क्स कर लेंगे, 50 50 50 50, टोटल 200 का हो गया आपका ये। ठीक है, तो पूरा 1 घंटे का टाइम रहेगा, पूरा सिनेरियो आपका सेम है आपका वो। और नेगेटिव मार्किंग इतनी है आपकी, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, अब मेन चेंज जो हुआ है, हाँ, देखने को मिला है टीयर 2 में, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। देखो, इसको 2 सेशन में कराएगा, एक तो होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2 या पेपर 3।
अगर हम पेपर वन की बात करते हैं बेटा, जो टीयर टू का पेपर वन जो पहले हुआ करता था, जिसमें मैथ और इंग्लिश आती थी आपकी, उसमें थोड़ा चेंज किया गया है, उसको आपके मॉड्यूल में डाल दिया गया है। अब सेशन वन है, ये 2 घंटे 15 मिनट का होगा आपका बेटा, तो 2 घंटे अलग है, 15 मिनट इसमें अलग है। उसको समझा देता हूँ आपको, इसमें 2 भागों में बांटा गया है। पहला सेक्शन है आपका मॉड्यूल वन और एक मॉड्यूल टू। मॉड्यूल वन में आपके मैथ्स आएगी और सेकेंड आपकी रीजनिंग आएगी। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 इसके आएंगे, इंटू 3 मार्क्स होगा। क्लियर? तो टोटल 180 मतलब 90 नंबर की मैथ होगी और 90 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी आपकी। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्कोर यहाँ पे करते हैं। तो सेक्शन टू है आपका इंग्लिश का, मॉड्यूल टू है उसमें, इसमें भी थोड़ा फेर बदल गई है। इसमें 45 क्वेश्चन के कर दिए हैं इंग्लिश कर दिए, 25 क्वेश्चन जीएस के कर दिए हैं, मतलब कि 75 का आपका ये हो गया। उसको कैरी कर लीजिएगा, हाँ, 120, 120 और 135, 135 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी आपकी। ठीक है, तो इन दोनों का ये है। और जो 15 मिनट दिए जा रहे हैं ना आपको, ये ईच मॉड्यूल के अलग से, वो आपके इसके लिए दिए जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये वाला सेक्शन है, इसके लिए पूरा 1 घंटा मिलेगा आपको, और ऊपर जो सेक्शन था उसके लिए पूरा 1 घंटा मिलेगा, पूरी विंडो खुलेगी आपकी। फिर सेक्शन थर्ड है, इसके लिए 15 मिनट मिलेंगे, कंप्यूटर का नॉलेज का मॉड्यूल है, ये क्वालिफाई होगा, इसको आप बारे में आगे पढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ जो सेशन टू होगा आपका, वो तो सेशन वन बता दिया मैंने। सेशन वन में पेपर है आपका, पहला है उसका मॉड्यूल वन, इसमें सेशन वन में आएगा सेक्शन वन। सेक्शन वन में दे हैं मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू। मॉड्यूल वन में मैथ आएगी 30 क्वेश्चन की, 90 नंबर की, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन की, 90 नंबर की। फिर देन आता है सेशन टू आपका, उसी सेशन वन का दूसरा पार्ट है आपका, इरा सेक्शन टू। सेक्शन टू में इंग्लिश है आपकी 45 क्वेश्चन है, 3 नंबर के, 135 नंबर का है, और जीएस है 25 क्वेश्चन है, 3 नंबर के हैं, तो 75 मार्क्स हो गए। तो टोटल जो आपकी नंबर बैठ रहे हैं बेटा, ये 180 और 390 नंबर का बैठ रहा है मेरिट बेस आपका। ठीक है, और जो सेक्शन थर्ड है, ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा आपका 60 नंबर का, और एसएससी ये कहता है कि पढ़ा भी देता हूं आपको आगे। और देन डी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, तो मतलब होता है टाइपिंग टेस्ट हमारा, वो भी कितने का रहेगा आपका, 15 मिनट का रहेगा, वो उसी दिन ही होगा आपका। नेक्स्ट है पेपर टू स्टेट्स का है, 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर के हैं, जनरल स्टडी है, 100 क्वेश्चन है ये। और जो पेपर वन है वो सभी को देना का कंपलसरी है, चाहे डब्ल्यू की पोस्ट के लिए जा रहा हो, जीएसओ की पोस्ट के लिए जा रहा हो, सभी के लिए कंपलसरी है आपका। देखिए वही बोल रहा है, टीयर टू विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री इन सेपरेट शिफ्ट एंड डेज। पेपर वन इज कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट, पेपर टू विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। और जो पेपर थ्री है वो जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टीयर वन में, किसके लिए, पेपर थर्ड के लिए, यानी कि डबल एओ की पोस्ट के लिए, उन्हीं के लिए आपका। क्लियर? जो पेपर वन में सेक्शन बता रखे हैं, दोबारा बता रहा हूं आपको मैं, सेक्शन वन मॉड्यूल वन मैथमेटिक्स, मॉड्यूल टू रीजनिंग, सेक्शन टू मॉड्यूल वन इंग्लिश, मॉड्यूल टू जनरल है, सेक्शन थर्ड मॉड्यूल वन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा। ये है आपके बेटा 180 नंबर के, और ये है आपके 210 नंबर के, और ये है आपके क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, एंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर वन। पेपर वन की सेपरेट कट ऑफ रहेगी आपकी, वो क्वालिफाइंग को करना है आपका। देन इसका मेन पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है, वही 2000 वर्ड का दे रखा आपका। ये सिलेबस है, पढ़ लेंगे, सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है आपका मैथ के सिलेबस में, शायद प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स भी ऐड कर दिया गया आपका, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और एक कंप्यूटर का सिलेबस जो ऐड हुआ है अलग से, उसके बारे में बता रखा है आपका, जो सेक्शन थर्ड का है ना, कंप्यूटर का बेसिक आएगा आपका, सॉफ्टवेयर आएगा, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, ईमेल्स के बारे में बताया जाएगा आपका, बेसिक ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी बताई जाएगी। इसके पूरे बारे में, कंप्यूटर के बारे में आपको पूरा पढ़ा दूंगा मैं, हार्डली से हार्डली 10-15 डेज लेगा आपका सारा का सारा ये सिलेबस कंप्लीट होने में। टीवी का आपको सबको पता ही है, और बेटा ये कुछ पोस्ट होती है हमारी, इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, तो जब भी आप ऑप्ट करें तो देख के करें, मेडिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है। सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर में, प्रिवेंटिव में, सीबीएन में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, सब इंस्टर जूनियर मिनिस्ट्री में, सीबीआई में, एनआईए में, आपका यूडीसी, बीआर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मतलब बेल्ट की जॉब होती है आपकी सारी।
बेटा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन यहां इंपॉर्टेंट, यहां समझिएगा इस चीज को अच्छे से। क्या कह रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर वन, सेक्शन वन, सेक्शन टू, मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर वन, टीयर टू एंड थ्री। एग्जाम्पल आर एस बोलो, यू आर के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाई करना है, ओबीसी डब्ल्यू 25 और ऑल अदर कैटेगरी 20। और जो एरर अलाउ कर रखी है, यू आर के लिए 20% है, ओबीसी के लिए 25 और इसके लिए 30। जो हम एरर करते हैं ना डिस्क्रिप्टिव में उनके लिए। अब एक चीज मेन यहां पढ़िएगा, देखिए बेटा ये एसएससी ने एक बात डायरेक्ट नहीं बोली लेकिन छुपा के बोली है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर टू एग्जामिनेशन ओनली। इसका सीधा सीधा मतलब क्या कहता है, जो टीयर वन है आपका उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है, उसके पर्टिकुलर कट ऑफ दी जाएगी पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री के लिए आपकी, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। तो टीयर वन क्या होगा, क्वालिफाई हो चुका है अब, और बेटा इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्या कह रहा है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टीयर टू एग्जामिनेशन एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट बाय देम। वंस द कैंडिडेट हैज बीन गिवन द फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस एज पर हिज मेरिट, ही विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी अदर ऑप्शन, कैंडिडेट देयरफॉर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट वेरी केयरफुली, द ऑप्शन प्रेफरेंस वंस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल और इरिवर्सिबल, उसको वापस चेंज नहीं आ कहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। और बेटा जो अदर पोस्ट के लिए बता रखा है आपका, देखिए जो डिस्क्रिप्टिव देके आएंगे बच्चे जेएसओ डब्ल्यूए की पोस्ट के लिए, विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द सेक्शन वन, सेक्शन टू और पेपर वन ऑफ टीयर टू एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग मॉड्यूल के हिसाब से ऑफ सेक्शन थर्ड एंड पेपर। कहने का मतलब है जो सेक्शन आपका एक तो 180 नंबर का पेपर होगा और एक 210 नंबर का होगा, इन नंबर को पहले चेक किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, और जो बच्चे इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं वो देन जो आपका कंप्यूटर वाला पेपर था ना उसको चेक किया जाएगा, उसके लिए एवल्यूशन के लिए जाएगा और डिस्क्रिप्टिव के लिए देंगे तो चारों पेपर ही आप सारे, लेकिन जो इसको क्वालिफाई करेंगे उनकी कॉपी ये चेक की जाएगी, उनकी कॉपी ये चेक की जाएगी, और ये दोनों के आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। कहने का मतलब ये जो टीयर टू का एग्जाम होगा रिटर्न हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होगा जिसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस आएगी आपकी 380 नंबर की, 90 नंबर की मैथ आएगी, 90 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, 135 नंबर की इंग्लिश आएगी और आपकी 75 नंबर की जीएस आएगी, तो टोटल 390 नंबर का होगा, और उसके उसी दिन आपको कंप्यूटर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के हैं और डिस्क्रिप्टिव है मतलब टाइपिंग वाला टेस्ट है आपका, डिस्क्रिप्टिव डीएसटी है जो टाइपिंग होता है आपका, तो उसको जो बच्चा 300 नंबर में एक मेरिट बनाएंगे वो अगर उस मेरिट को क्वालिफाई कर रहा है तो वो जो कंप्यूटर का एग्जाम देगा उसकी कॉपी वो चेक करेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव दिया उसकी वो चेक करेंगे, अगर क्वालिफाई करता है तो, नहीं करता उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, उसको रिजेक्ट कर दिया, दोबारा प्रोसेस में बैठेगा अगले साल से आपका वो, ठीक है। और वो दो कंप्यूटर वाला एग्जाम है जो दोनों कंप्यूटर के हैं आपके, वो क्या है क्वालिफाइंग नेचर, उनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है आपकी इस बार जो मेरिट बनेगी 390 नंबर में से बनेगी, और इस बार चारों सब्जेक्ट का खेल रहेगा आपका, ठीक है, मैथ का भी खेल है, रीजनिंग का भी खेल है, इंग्लिश का भी खेल है और जीएस का भी खेल है, तो मेनली रोल किसका आगे जाता है, इंग्लिश का आगे आपका सबसे ज्यादा, ठीक है, 135 नंबर की है। अब वो आप पे डिपेंड करता है भाई 190 में कितना स्कोर कर रहे हो मैथ में और रीजन में कितना आप स्कोर कर रहे हो, तो कहने का मतलब मेरा यह जो टीयर टू है आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है आपकी, ठीक है, 90 नंबर की ये है, 90 की ये है, 145 ये है और 75 ये है। अभी आप पे डिपेंड करता है कितना स्कोर करोगे इसमें, जितना स्कोर करोगे ओवरऑल कितने का बैठेगा, 390 का बैठेगा आपका, तो 390 में से फाइनल मेरिट आपकी जाएगी इस बार, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और जो भी चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरा कंप्लीट सीरियल का पैटर्न पूरा कोर्स कराऊंगा मैं आपका, ठीक है, जो दिसंबर में एग्जाम उसके लिए और देन अपकमिंग जो होगा मार्च के आसपास होगा टीयर टू का, देन उसके लिए भी मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन जय हिंद जय भारत।